That you guys can do for us is condemn this horrible terror and stand by I our side. इतना डर गए हो इतने गुलाम बन गए हो अमरीका के और इसराइल के और भारत के हमें इतना जलील मत करोगे खुद को पाकिस्तानी कहते हुए अमेरिका जो है ना हमारे सामने आए नहीं हम जेहद पे गए नहीं जब इंशाल्लाह हम जिहद पे जाएंगे ना अपने इस्मान के लिए लड़ेंगे तो फिर अमरीका को पता लगेगा यार कितना जज्बा है पाकिस्तानियों का मैडम फलस्ती लोगों का तो कोई कसूर नहीं है ना की वो अगर टारगेट करना है तो हम को करें अब सात बच्चा जो है उसको मार दिया सर इसरा में भी तो कितने बच्चे मारे गए उनकी काउंटिंग की है किसी ने या सिर्फ फलस्तीन के बच्चे जो है वो बच्चे हैं यकीनी तौर पर आंखों से आंसू बह रहे हैं हर मुसलमान का दिल दुखी है मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें या अपने ही मुल्क को आग लगा दें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं अगले दिन एक सोशल मीडिया पे इंडियन वो सुन रहा था कोई साफी थे और वो बात कर रहे थे और वो फलस्तीनियों को आतंकवादी कह रहे थे जहन दोस्तों एस पी न्यूज़ नाइन्टी में आपका स्वागत है दोस्तों दोस्तों जब से इसराइल और हमास के बीच में तनातनी युद्ध चल रहा है तब से लेकर अब तक ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है मैं आपको बता दूं कि जब भारतीय रिपोर्टर्स ने इजरायली जो एक एक्टर हैं इजरायली एक हीरोइन थी उनसे जब पूछा कि मतलब भारत आपका कितना साथ दे रहा है तो उनका कहना ये था कि मैं भारत को बहुत पसंद करती हूँ और जिसके साथ भारत है उसे डर कहेगा यानी कि कुछ ऐसी बात उन्होंने जो इसराइल की एक्टर थी उन्होंने कही है जो कि आपने अभी क्लिप्स के अंदर भी देखी होगी और उन्होंने कहा है कि भारत पृथ्वी का सबसे सुंदर देश है और मैं जब भी जाऊंगी जब भी अगला जन्म होगा अगला जन्म मैं भारत में लेना चाहूंगी कुछ इस तरीके की बात और भारतीय संस्कृति को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें की जो कि आगे आप में आगे आपको क्लिप में देखने को मिलेंगी इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा अब इस मैटर पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है तो आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं ये जज्बातियत जिसके अंदर हिकमत ना हो जिसमें फिरासत ना हो जिसमें दानिशमंदी ना हो जिसमें स्ट्रेटजी और प्लानिंग ना हो यह जज्बातियत सिर्फ खुदकुशी होती है यकीनी तौर पर आंखों से आंसू बह रहे हैं हर मुसलमान का दिल दुखी है मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें या अपने ही मुल्क को आग लगा दें एक बात बहुत अच्छी तरह यही बात आज हम आपको समझाना चाहते हैं कि किसके जिम्मे क्या काम है सबसे ऊपर रियासत है हुकूमत है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत और रियासत की है गजा में जो कुछ हो रहा है उसमें हकूमत पाकिस्तान को दखल देना है चाहे वो डिप्लोमेटिक तौर पर दखल दे फाइनेंशियल एड करें, इमदाद पहुंचाए या मुसल्ला अफवाज भेजे दुश्मन को रोकने के लिए यह सब काम हुकूमत ने करना यह काम आम मुसलमान और आम पाकिस्तानी नहीं कर सकता इसके लिए आप हुकूमत पर दबाव डाल सकते हैं हुकूमत से बात कर सकते हैं उस पर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं लेकिन हकूमत का काम आप नहीं कर सकते और यह भी कोई हमत अमली नहीं, नहीं है कि अगर आपको अपनी हुकूमत पर गुस्सा है तो आप पाकिस्तान को आग लगा दें लिहाजा वो समझें कि जो जिसकी जिम्मेदारी है अगर हुकूमत गुनागार है तो वो अल्लाह के यहां खुद जवाब दे आप उसके लिए जवाब दे नहीं है क्योंकि आपके पास वो इख्तियार नहीं है वो अथॉरिटी आपके पास नहीं है हमारे इस्लाम की बहुत जज्बा है अच्छा हम अपने जज्बे को यकीन करो प्लस वो इसराइल के है अमेरिका पे साथ उड़ा लेंगे तो अमेरिका आ... के कहने पे तो हम यहाँ पे चल रहे हैं आप कह रहे हैं अमेरिका का कहना छोड़ दो यहाँ ऐसी वहाँ पे जज्बा किधर था अमेरिका को कहते भाई आपकी क्या जरूरत है हम खुद सजा दें या जो भी करें अमेरिका जो है ना हमारे सामने आए नहीं हम जिहाद पे गए नहीं जब इन पे जाएंगे ना अपने के लिए लड़ेंगे हाँ। तो फिर हम को पता लगेगा यार कितना जज्बा है पाकिस्तानियों का जा सकता ये किसी ने कहा था रॉ का इतना असर और सुख कैसे हो गया कि वो चुन चुन के पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स को मार रहे हैं जो मुबैना तौर पर कहा जाता है कि हमारे एसेड से और जो भारत कहता है कि हमारे दुश्मन है तो भारत अपने दुश्मन पाकिस्तान में घुस के कैसे मार रहा है बगैर रजामंदी के नहीं मार सकता आपको पता नहीं है नेटवर्क कितने बड़े होते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के तो भारत को पाकिस्तान में मुबैन तौर पर ऑपरेट करने का ओपन ग्राउंड दिया गया क्यों जब पाकिस्तान पाकिस्तान की 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 ग्रे ग्रे लिस्ट लिस्ट में में था था तो भारत की यही बुनियादी डिमांड थी जिसकी वजह से कि जो सारे पाकिस्तान ने रखे हुए ना इधर लोग इनको कश्मीर में भेजा जाता है और ये वो और वो वर्गलाते हैं नौजवानों को और ये करते हैं भारत का इल्जाम था हम इसीलिए ग्रे लिस्ट में थे अब ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद हमने गारंटी दी जो करता धरता है इस मुल्क के क्या हम इन को मार देंगे या आप आके मार लें आपको इजाजत है इसके पीछे क्या वजह है कि अमेरिका ने कहा है कि भारत को राजी करो भारत को खुश करो वेंटिलेटर तब ऑन न होंगे और चलते रहेंगे तब तक अगर भारत तुमसे खुश होगा भारत राजी होगा यानी पहले एक जमीनी खुदा की गुलामी करते थे अब एक और जमीनी खुदा बना के रख लिया हमने और वो भारत है धन फिर रहे हैं बजाय ऐसा लगता है रॉ के एजेंट पाकिस्तान में और मारते फिर रहे हैं जिसको चाहते हैं बगैर टेसिड अप्रूवल के नहीं हो सकता ठीक है इसको समझें अब दूसरी चीज पे आए जरा जब इसराइल ने पिछली बार और इमरान खान की हुकूमत थी, इस तरह का गजा पे हमला किया था इतनी ताकतवर आवाज इमरान खान ने उठाई थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कम मतलब से कम पाकिस्तान से कभी इतनी ताकतवर आवाज नहीं उठाई गई यूनाइटेड नेशन तक इमरान खान ने हिला के रख दिया था अपने बल बूते पे हिला के रख दिया था सबको मिलाया था साथ इमरान खान को जेल में डाल दिया ये इसराइल से शाबाशी भी ली गई है जहां इंडिया से शाबाशियां ली जा रही हैं वहां इसराइल से शाबाशी भी ली जा रही है मैं आपको बताता हूं कि वो कर क्या रही है और फिर देखिए आप मकरू किरदार और फिर आपको बताता हूं चीन ने क्या कहा है यहां तक के अफ्रीकी कांग्रेस के सदर अफ्रीका के सदर ने क्या कहा है वो भी आपको बताता हूं जो साउथ अफ्रीका का सदर है लेकिन पहले आप जरा ये खबर देखें वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका का जो स्क्वाड्रन है ए टेन अटैक एयरक्राफ्ट का वो यूएई ए की एयरबेस पे पहुंचा दिया गया है इसराइल का दिफा करने के लिए जी हां पे पहुंचा दिया गया है इसराइल का दिफा करने के लिए जी हां फलस्तीन या गाजा के मुकाबले में इसराइल का दिफा करने के लिए मुतहदा अरब अमारात की बेस इस्तेमाल होगी और अमेरिका वहां से हमले करेगा किन पर शहरियों पर औरतों पर बच्चों पर बुजुर्गों पर बीमारों पर जिन पर जमीन वैसी तंग है और कितनी तंग है एक और खबर देख लें ये इसराइल मुसाद के तरफ से ये आई है ये अकाउंट सारी ट्वीट्स करता है उनके हवाले से ऑल इंटरनेट सर्विस विल बी कट ऑफ स्टार्टिंग सून यानी तमाम हर किस्म की इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी क्यों ये तब किया जाता है जैसे पाकिस्तान में 9 मई के बाद तीन चार दिन के लिए किया गया था इंटरनेट सर्विस कहीं बंद कर दी गई थी कहीं स्लो कर जब किसी ने कुछ ऐसा करना होता है जो बहुत गलत होता है तो उससे पहले नरेटिव अपना बनाना होता है मीडिया पूरी दुनिया का इनके कंट्रोल में है पूरी पूरी हुकूमतें इनके कंट्रोल में है तो नेरेटिव बना लेंगे उधर से कुछ आएगा नहीं ना वीडियो आएगी ना ऑडियो आएगी ना पिक्चर्स आएगी कुछ भी नहीं आएगा इस वो तबाही और तूफान आने जा रहे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और पाकिस्तान ने यह जिल्लत कबूल कर ली है कि ऐसे मौके पर खामोश हो गया है ऐसे मौके पर ना कुछ यूनाइटेड नेशन का इजलास बुलाने की पाकिस्तान ने कोशिश की है जबकि चीन क्या कह रहे हैं चीन कह रहे हैं कि इस सारे मसले की जड़ ये है कि पचास साल से उन्होंने ये कहा कि आधी सदी से ज्यादा अर्सा हो गया है कि यहां पर जुल्म किया जा रहा है लोगों को महसूर किया हुआ है जिसके रिएक्शन में यह सब कुछ हो रहा है जब तक ये मसला हल नहीं होगा जब तक उनको उनका राइट नहीं मिलेगा उसने यह साफ जरूर कहा कि इसराइल को भी हक है कि वो एग्जिस्ट करे, लेकिन वहीं पे फलस्तीन का भी हक है कि वो एग्जिस्ट करें इतनी बात तो की है ना उन्होंने